मिशन रोजगार के तहत पंजाब सरकार की तरफ से लगातार जो है नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं और आज भी मान सरकार की तरफ से तकरीबन 400 से भी ज़्यादा जो है नौजवानों को आज नौकरियां दी जा रही हैं। और आज हम लुधियाना के फिलौर में पहुंचे हैं जहां आज कई पुलिस अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के अलग अलग अहदों के पुलिस कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मान सरकार की तरफ से लगातार पिछले 2.5 सालों में ये दावा किया जाता है कि तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा जो है नौकरियाँ हैं वो सरकार दे चुकी है और आज भी इसी के तहत नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है और अलग अलग डिपार्टमेंट में। और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे नौजवान बात करने को मौजूद है। सर, आप फिलौर के रहने वाले हैं, आज अपॉइंटमेंट आपकी हो रही है, किस पोस्ट पे हो रही है? मैम, मैं एज ए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। पहले मैं पंजाब पुलिस में एज ए असिस्टेंट लीगल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। सर, मिशन रोजगार के तहत अब नौकरियां दी जा रही हैं, किस तरीके से आप इस उपराले को देखते हैं, क्या लगता है आपको ये जो प्रोग्राम जो शुरू किए गए हैं, पहले भी चीज़ें होती थी, अब भी जो क्या डिफरेंस है और किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और कितना फ़ायदेमंद भी है? मैम, मान सरकार का जो ये स्टेप है ये बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। जो यूथ था जो बाहर माइग्रेट हो रहे थे उनको एक नई होप मिली है। वो इसमें जब से उन मान सरकार आई है तब से उन्होंने जॉब्स की तरफ अपना रुझान कर दिया और डे बाय डे जॉब्स निकल भी रही हैं और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और लग भी रहे हैं। और इसी 2 साल में मेरा ये सेकंड जॉब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया स्टेप है। जैसे सर ने बताया कि पिछले 2 साल में सेकंड जॉब उनको मिली है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैम, मैं भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट लिए आ रहा हूँ। मैं भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है असिस्टेंट लीगल ऑफिसर पंजाब पुलिस के बच्चे हाँ। असं तीनों जने है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जी। हाँ। सर, मतलब कैसे लगता है आप लोगों को, मतलब जो मिशन रोजगार है जी, कितना पारदर्शी है, कितनी चीज़ें बदली हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में कितना इसका फायदा है? मैम, सानू इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा क्योंकि सानू सरकार मौका दे रही है, नौकरियाँ टाइम टू टाइम सर आ रही हैं तो असी उदी उम्मीदवारी करके तो अज सिलेक्ट भी हुए हैं। तो असी सरकार का धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, माँ बाप का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू मौका दिता तो असी मेहनत की है जी, मेहनत करके इतों तक पहुँचे हैं। अगे भी नौजवानों ने यही कहेंगे कि तुम मेहनत करो, ब्रेन ड्रेन दे जिहड़े ब्रेन ड्रेन उत्थे भी जाके आपां मेहनत कर रहे हैं, इत्थे मेहनत करिए, आपां हत्थी मेहनत करिए, माँ बाप साढ़े नाल है तो परमात्मा एक दिन जरूर अचीव करवाऊंगे जी। सो यहाँ पर मेहनत करने की बात की है। सर, आप किस पोस्ट के लिए? मैम, मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सिलेक्ट हुआ हूं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? और जैसे नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं मान सरकार की तरफ से, लगभग काफ़ी नौकरियां दी भी जा चुकी हैं, क्या देखते हैं और आप क्या सोचते हैं, कैसा बदलाव जो है अब आया है? ये एफर्ट बहुत वधिया जी, इहदे नाल दो चीज़ा हो रही ने, एक तो बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा, प्लस जो साडा बाहर जाने का रुझान आ उहते भी थोड़ी जी ठल पै रही है क्योंकि सानू पक्का हो रहा कि इत्थे भी रुज़गार मिल रहा। क्योंकि इतने भी रुजगार मिलने साढ़ा बाहर जाने का जो प्लैन चल रहा पंजाब तो कनेडा या अमेरिका वाल वह भी खत्म होने की आस हैगी सानू। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ लीगली आप जब प्रमोट होते हैं तो क्या लगता है कि अपने ही उसमें रहकर आप एकदम से आगे जब बढ़ते हैं, और जैसे सर ने अभी सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारे 2 साल में दूसरी नौकरी है जी। जी मेरा भी मैम एक तरह से दूसरी नौकरी है, मैंने ADA का भी टेस्ट क्लियर किया है और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का भी टेस्ट क्लियर किया है। अच्छा उपराला है गवर्नमेंट का जी, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, तो एक मतलब कि एक साल में 2-2 टेस्ट 3-3 टेस्ट हो रहे हैं, सभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं जी। मेरे साथ ये भी इनके भी वाइफ की भी 2 नौकरियां इनकी भी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लगे हुए हैं जी। सर, जैसे कहा जाता है आपसे सवाल है कि चीज़ें वैसी हैं, चीज़ों में अगर बदलाव आया तो वो कैसा बदलाव, क्योंकि आप लोग तो वो हैं जिनको ये चीज़ें मिली हैं बेसिकली। पहले तो आमतौर पर जैसे दूसरी पार्टीज अक्सर कहती है, विपक्ष कहता रहता है, क्या लगता है आपको एक्चुअली क्या चीज़ों में बदलाव आया है? एक्चुअली मैम, जैसे भी है, जैसे हमारा एग्ज़ाम हुआ है बिल्कुल फेयर हुआ है। फर्स्ट ऑफ पहले क्या था मैम, गवर्नमेंट आती थी 5 साल रहती थी, जाते जाते पोस्टें निकालती थी, अपॉइंटमेंट मैटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता था। इस सरकार का सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने आते ही मार्च में बनी सरकार, अप्रैल में पोस्टें निकाली। देखो अब ज्वाइनिंग लेटर मिला, हमारी एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेरे 3 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, एक भी मान लो कोई कॉल नहीं आई पैसे के लिए, कुछ भी के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ फेयर है। सबसे अच्छी बात यही है, सबसे अच्छी बात यह कि फेयर एंड फ्री हो रहा है यहाँ पे और लगातार चीज़ें जो बदल रही हैं। यहाँ पे एक मैडम भी मौजूद है, मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और किस पोस्ट के लिए आप? मेरा नाम अदिति गुप्ता है और मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंजाब में सेकेंड रैंक
अच्छा, जैसे हमने सब लोगों से बात की, अपना अपना एक्सपीरियंस सब लोग शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी दूसरी जॉब है, कोई कह रहा तीसरी जॉब है, अच्छा आपकी भी सेकंड जॉब है? मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट UPSC के थ्रू पहले लीगल कंसल्टेंट थी, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी श्रीनगर थी एंड आफ्टर दैट फिर मैंने चंडीगढ़ में से रिजाइन करा, तो इधर मैं टॉप किया डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। अरे वाह मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टॉप किया। कैसा बदलाव आया है? हम बात ये कर रहे हैं कि चीज़ें पहले भी होती थी, अब जो चीज़ों में आप जैसे अभी कई ने शेयर किया कि अब हमें पता ही नहीं चला, बस हमने पेपर दिया और हमें क्लियर हो गया, ये चीज़ हमारी सबसे बेस्ट हुई। मैम एक्चुअली ऐसा है कि जो मैंने पर्सनली फील करा है, जैसे ये पहले भी मेरी जैसे ED में मैंने जॉब करी है, अभी मेरी एज ए ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर में मैं टॉपर हूँ, बहुत फेयर सिलेक्शन हुई है, जो हमने मेहनत करी थी उसका पूरा पूरा रिवार्ड मिला, इवन के रिटर्न एग्जाम में मेरा फर्स्ट रैंक था, तो आफ्टर इंटरव्यू आई गॉट सेकंड रैंक। बट ऐसा है कि मेहनत करते रहो, तो जब चल रहा है इंटरव्यू आप उधर भेज रहे हो, मेहनत करते रहो तो एक दिन फल ज़रूर मिलता है। मंजिल कभी भी दूर नहीं होती, बस कई बार हमारी कमियां होती हैं कि हम गिव अप कर जाते हैं। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, मैं PCS जुडिशियल सर्विसेज के मेंस लिखे हैं, जब मेरा कभी एज ए जज मेरा ड्रीम था कि मेरा सिलेक्ट नहीं होती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मंजिल यहीं रुक जाएगी, बट मैंने स्टॉप नहीं करा कभी भी, हार्ड वर्किंग हमेशा मेरी कॉन्टिन्यू रही है, तो शायद आज उसी का रिवार्ड है। मैं उस परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, रिस्पेक्टेड CM साहब का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि हम ये। सर जैसे मैम ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये चीज़ें हुई हैं, एक्चुअली क्या चीज़ों में बताओ? एक्चुअली मैम आज हम यहाँ पे ज्वाइनिंग लेने आए हैं, आज हमें TV पे देखा जा रहा है या बाकी सब देख रहे हैं, पर जब हम रूम में अकेले मेहनत करते हैं तब कोई नहीं देखता, तो पर तब हमें सोचना चाहिए कि आज अगर हम बंद कमरे में मेहनत कर रहे हैं तो उसका कभी ना कभी मूल जरूर पड़ता है, और आज उसी की बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। आपकी भी सेकंड जॉब है? जी मैम, पहले ऐसे असिस्टेंट लीगल ऑफिसर थे यहाँ पुलिस में। आमतौर के ऊपर सरकारी नौकरी के लिए एक वो चीज़ें बनी हुई हैं कि सेकंड जॉब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली जॉब के लिए इतना मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो अब क्या लगता है कि अब ईजी लगता है या पहले ईजी था? मैम अब ट्रांसपेरेंसी हो गई है, हमें एक रुपया नहीं देना पड़ा, कोई किसी की सिफारिश नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता से हमारा पेपर कंडक्ट हुआ, जो भी जहाँ पर आए हैं मेरिट के आधार पर आए हैं, सो उससे हमें भी होप मिलती है और जो मेहनत करने वाले हैं उनको आगे ना आगे मौका मिलता रहता है। ब्रीफ की बात की सर ने कि पारदर्शी हुआ है, ये चीज़ है कि अब हम सेकंड जॉब के बारे में, अब आप लोग जैसे जब एग्ज़ाम देते हो तो सोच पाते हैं कि हाँ अब ईजी, अब कोई ऐसा नहीं होगा? मैम ऐसा है कि अब तो ऐसा हो गया है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन पंजाब जो है 2005 विच इस्टैब्लिश होया सी, तो पहली वारी है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दी 40 पोस्टां पहली वारी आई सी जदों दी ये डिपार्टमेंट होंद विच आया, तो सब तो ये तो बहुत वड्डी प्राप्ति है मैम, जे असी किसी नूं जस्टिस दवावांगे तो जिहड़ी पब्लिक है मैम वो तो बहुत दुआवां नाल बहुत बहुत कुछ गेन कर सकांगे, अज जिन्ने साडे पेरेंट्स कुछ ने उन्हां दा कोई वो नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। सर आपकी किस पोस्टिंग की आज हो रही है और कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम। क्या बदलाव है जो अब हुआ है और मिशन रोजगार के तहत आज आपको नौकरी मिली? हाँ जी मैम, माई सेल्फ किरान गोयल, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ मैं, और मेरे को डिस्ट्रिक्ट जो है मोहाली मिला है, और मिशन रोजगार के तहत हमारे को नौकरी दी गई है, और इसमें ये बदलाव हुआ है कि ये जो नौकरी है बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुई है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही है इसमें। हाँ जी सर, आप भी सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए हैं, आपको भी नौकरी दी गई है, क्या लगता है आपको किस तरीके से, क्योंकि जाहिर है जब नौकरी मिलती है तो खुशी होती है, ये सेकेंड नौकरी है या थर्ड नौकरी कौन सी है आपकी? पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में था जीरकपुर में, नाउ आई एम सिलेक्टेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस एंड आई एम पोस्टेड इन फतेहगढ़ साहिब, एंड बहुत फेयर था सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रायल्स में कैमरा लगे थे, सेंसर्स पहने थे, सारी शीट आती थी, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी थी। दूसरी नौकरी, पहली नौकरी छोड़ के दूसरी के लिए, पहले आमतौर के ऊपर ये चीज़ें कम हम देखते थे, अब ये चीज़ें बढ़ने लगी हैं, किस तरीके का वो चीज़ें इसमें जो हैं, आप जाहिर है सब इंस्पेक्टर के लिए आप अपॉइंट हुए हैं, आपकी पोस्टिंग भी हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी आपकी जर्नी रही होगी जी। हर एक इंसान तरक्की चाहता है, तो पहले क्लर्क लेवल पर था, थोड़ा और पढ़े, वहाँ पे बिलिंग में थे तो मैथ्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उसके थ्रू हमारी सब इंस्पेक्टर की जॉब निकल गई, तो हर इंसान अपनी लाइफ में तरक्की चाहता है, सैलरी बेटर है, स्टेटस अच्छा है। थैंक यू। तरक्की और स्टेटस की बात की है, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को, आप भी सब इंस्पेक्टर? मैं भी सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ हूँ मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। मैम एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं MBA ड्रॉप आउट हूँ, मैं IIM दिल्ली इसमें था, मैंने ड्रॉप लिया कि मैंने जॉब करनी है गवर्नमेंट जॉब, मैम अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही थी, पढ़ तो रहे थे बट एक आस थी कि चलो चेंज आएगा, जॉब आएगी, क्योंकि हमने तो मेरिट पे ही लेनी है,
मेरिट पे मैम पढ़े, मेहनत करी, जॉब लगी, और इससे बड़ा कोई मैम पुण्य हो नहीं सकता। छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है आमतौर के ऊपर जब आप, क्योंकि वो सबसे लोग का ड्रीम होता है। आपने कभी सोचा था कि पंजाब पुलिस में मैं इस तरीके से? मैंने कैट क्लियर किया था मैम, उसके बाद 2 महीने वहाँ गया, ड्रॉप ले लिया कि गवर्नमेंट जॉब करूँगा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेहनत तो कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी की वेट थी, वो मैम इस गवर्नमेंट ने हमें दी। फाइनली हमें वही चाहिए थी, मेरिट पे आए मैम, इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। इन्होंने IIM मतलब ड्रॉप किया, उन्होंने बोला कि मेहनत हम करते थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। यस मैम, मैं भी 2018 से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पहले गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट को लगा लो तो वो मतलब कि कोई जॉब्स वगैरह उन्होंने नहीं निकाली, इतनी जो निकाली थी उन्हें कंप्लीट नहीं किया। तो जब से आप सरकार आई है तो ये जॉब्स निकाल रही है और उन्हें कंप्लीट भी कर रही है, हमें भी आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं। हाँ जी मैम, थैंक यू। हाँ जी, सो ये सब इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। बोले कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती थी आमतौर के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी लेकिन अब वो चीज़ें ज़रूर मिलने लगी हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ फिलौर से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।